संत कबीरदास की धरती पर संत कबीर नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन शासन से अभी तक बजट आवंटित न होने के कारण मगहर महोत्सव पर ग्रहण लगता दिख रहा है। मकर संक्रांति पर एक सप्ताह तक चलने वाले मगहर महोत्सव में लोक कला एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन कर लोगों को महान कवि संत कबीर के द्वारा दिए गए संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता किया जाता है। महोत्सव के समय भारत सहित विभिन्न देशों से कबीर के अनुयायियों का जमावड़ा लगता है। वैसे तो मगहर महोत्सव का आयोजन काफी लंबे समय से होता चला आ रहा है, लेकिन मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री काल से प्रदेश सरकार द्वारा मगहर महोत्सव के लिए बजट देने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो लगातार जारी था। लेकिन इस वर्ष अभी तक सरकार द्वारा बजट न मिल पाने की स्थिति में मगहर महोत्सव पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। प्रशासन की माने तो महोत्सव के बजट के लिए बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि जल्द ही बजट शासन द्वारा आवंटित हो जाएगा। महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है और 12 जनवरी से महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जो भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग अंतिम दौर पर है। मगहर महोत्सव समिति के फाउंडर वेद प्रकाश चौबे का कहना है कि धन की कमी से महोत्सव का उत्साह कम नहीं होगा। सोसाइटीज के अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता का मानना है कि मगहर महोत्सव में किसी भी तरीके के फ्लेक्सी का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, जो पेंटर समाज के लिए बेरोजगारी का सबक भी बन रहा है। हालांकि मगहर महोत्सव की शोभा बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है और लोगों का दावा है कि महोत्सव के लिए जल्द ही शासन से बजट आवंटित होगा, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब धन आवंटित होगा और महोत्सव की रूपरेखा कैसे तय की जाएगी, यह काफी सोचनीय प्रश्न है। हालांकि मगहर के कबीर चौरा पर बड़ी संख्या में मकर संक्रांति के अवसर पर कबीर पंथी पहुंचने वाले हैं। इस दौरान महोत्सव का लुफ्त लेंगे, लेकिन महोत्सव कितना उत्सव में रहेगा यह देखने वाली बात होगी। मगहर महोत्सव 2020 का शुभारंभ 12 जनवरी से 18 जनवरी तक चलने वाला मेला है। पूरी से तैयारी हो चुकी है, अधिकारियों की जो बैठक होती है वो भी हो चुकी है, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जैसा कि अब तक जो जानकारी मुझे मिली है कि जो धन का आवंटन होना है सरकार की तरफ से हुआ था, 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष के बाद हम लोगों ने डिमांड बढ़ाया है महंगाई को देखते हुए 50 लाख रुपये की, तो हमें उम्मीद है कि 2 दिन में पैसा आ जाएगा। मगहर महोत्सव का बजट अभी आया नहीं है, लेकिन मेरी बात हुई थी वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ट्रेजरी ऑफिसर से, उन्होंने कहा था शीघ्र जारी हो जाएगा, आजकल मैं पता कर लूँगा मैं उसकी क्या स्थिति है, लेकिन उनके आश्वासन पर हमने उसकी तैयारी शुरू करा थी। 31 तारीख को उसकी बृहद बैठक मगहर में ही हुई थी, उसमें कार्यक्रमों के फाइनलाइजेशन पर चर्चा हुई और उसके उपरांत से स्थल पर भी भ्रमण करके कहाँ पर क्या लगेगा, किस प्रकार से उसका ठीक होना है, क्या छोटे मोटे मरम्मत होने, उस पर विचार हुआ था और 12 तारीख से मगहर महोत्सव होना चाहिए। जी, मगहर महोत्सव को लेकर के हमने जिलाधिकारी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि मगहर महोत्सव में इस बार फ्लेक्सी का प्रयोग बिल्कुल ना हो, क्योंकि फ्लेक्सी को बंद करने के लिए सरकार पहले से ही प्रयासरत है और जो भी काम कराया जाए वो तो पेंटरों के माध्यम से कराया जाए, जिससे लोगों को रोजी रोटी भी मिल सके और कबीर साहब के मगहर महोत्सव से एक जागरूकता के नाम से लोगों को एक संदेश फ्लेक्सी अब यहाँ बंद हो।